रंगारंग प्रस्तुति के साथ मनाया गया कुनौर नगर परिषद का प्रथम गौरव दिवस। नगर परिषद कुनौर के रामलीला मैदान में परिषद के आयोजित तत्व में नगर गौरव दिवस का आयोजन 18 जनवरी को किया गया, जिसमें सम्मान समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि रहे महेंद्र बागरी पूर्व विधायक कुनौर, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजमोहन तिवारी पूर्व सरपंच कुनौर के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीकांत त्रिपाठी, मदन मोहन पांडे एसटीओपी, पीयूष मिश्रा, लक्ष्मी चौधरी नगर परिषद ककरहट्टी अध्यक्ष, सारिका खटिक नगर परिषद अमानगंज अध्यक्ष, वर्षा त्रिपाठी नगर परिषद ककरहट्टी उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र अवधिया भाजपा मंडल अध्यक्ष कुनौर एवं परिषद के सभी पार्षद मंचासीन रहे। कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना मलखान सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी 15 वार्डों में जनता की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके तहत हर वार्ड में सफाई, पानी एवं सड़क निर्माण जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जनता को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मंच संचालन कर रहे राजकुमार बिलथरिया ने कहा कि जिस भरोसे के साथ नगर क्षेत्र के लोगों एवं पार्षदों का सहयोग नगर परिषद अध्यक्ष को मिला है, उसके प्रति आभार जताया। वहीं कहा गया कि नगर क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी अध्यक्ष नहीं आने देगा, विकास के लिए सतत प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र बागरी द्वारा सभी पार्षदों एवं मंच में उपस्थित नागरिकों को गौरव दिवस की शुभकामना और बधाई देते हुए कहा गया कि लोगों ने भाजपा के प्रति जिस उत्साह के साथ भरोसा जताया है, वह कायम रहे और नगर का चौमुखी विकास हो जो आम नागरिकों को दिखना चाहेंगे, वही प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का हवाला देते हुए कहा गया कि निश्चित ही नगर परिषद कुनौर का विकास होगा। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये हमारे नगर परिषद का गठन हुए 1 साल हो गए हैं। इसी तारतम्य में एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल माननीय मलखान सिंह जी और हमारी नगर पालिका की प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष महोदया अर्चना मलखान सिंह के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी योजनाएं रहेगी इससे नगर पालिका का विकास और दिशा दोनों बदलेगी। चंदन सपेरा नगर पालिका उपाध्यक्ष। आज हमारे नगर परिषद के गठन के दिवस पे हम लोग प्रथम गौरव दिवस मना रहे हैं। नगर में जितने भी प्रतिभाशाली छात्र थे, जिनके माध्यम से नगर का गौरव बढ़ा है, चाहे प्रतिभाशाली छात्र हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे मेधावी छात्र हों और समाज से भी हों, पत्रकार हों, जिनके माध्यम से भी जिनने कुछ ना कुछ काम किया है समाज के लिए और उनके उस काम से हमारे नगर का गौरव बढ़ा है। आज हमने उन सभी नगरवासियों को सम्मानित किया है नगर परिषद कुनौर की ओर से, और साथ ही जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिनके माध्यम से हमारे नगर कुनौर को गति मिल रही है, विकास को गति मिल रही है, उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी हम मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, ताकि हमारा कुनौर सब लोगों के साथ मिलकर और आगे बढ़े। देखा जा रहा है अभी हाल ही में कुनौर नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा कल की जो बहुत समस्या थी उसको भी दूर किया गया है। उसमें नगर परिषद अध्यक्ष बस का रोल नहीं कहो, सभी नगरवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका सहयोग, सभी पार्षदों का सहयोग और हमारे माननीय सांसद जी और मंत्री जी का सहयोग था, जिस कारण से हम उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि जो हमारी बरसों पुरानी डिमांड थी, जहां परेशानी थी, उसको हम दूर करने जा रहे हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR Tower, Govardhan Crossing, NH 90, Mathura.